जय हिंद गाइस, अब मैं आपको सिक्स एंड फार्मेशन का डेमो दिखाऊंगी। ये मेरे कैडेट बैठे हुए हैं, ठीक है। ये देखो कैसे क्या होता लड़ाई के अंदर। अरे इधर भी देख लो, यूट्यूब में भेजूंगी, देख लो जल्दी। एनसीसी सतना गौरा मैम, इधर देखो बच्चों, आराम से अभी ध्यान देना आप लोग, आवाज सुनाई दे रहा है लास्ट, नींद कर रहे हैं कुछ लोग पीछे, क्योंकि जगह अच्छी मिल गई ना, कुछ लोग तो बिल्कुल फ्लैट हो गए हैं। तो देखो आगे लटका दिए कल, सब कोई बात नहीं, अभी जिसको जगह देती है वैसे रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, रिलैक्स हो जाओ, ध्यान मेरी तरफ, मैं ढीला पड़ रहा। अभी आप लोगों का लेक्चर है सेक्शन फॉर्मेशन, क्या है सेक्शन फॉर्मेशन, सेक्शन फॉर्मेशन के अंदर एक सेक्शन के अंदर 10 जवान होते हैं, कितने होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप आपको आ सकता है कि एक सेना की टुकड़ी में कितने जवान होते हैं, ए 10, बी 20, सी 30 और डी 0, तो आपने सही उत्तर चुनना है, ठीक है, कौन बनेगा करोड़पति, ठीक, ओके। इस प्रकार से आपके सामने एक सेक्शन जिसमें 10 जवान आपके सामने खड़े हैं, अभी ये कौन कौन होते हैं इनके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा, जिसकी मेमोरी अच्छी है वो फीड कर लेगा, जिसका नहीं है मेरी तरह तो इधर से सुनेगा इधर से निकाल देगा, ठीक, ओके। इस प्रकार से सेक्शन के अंदर नंबर 1 राइफल मैन, नंबर 1 उसके पीछे, नंबर 2 हाथ ऊपर करते जाओ, नंबर 1 दाहिना हाथ ऊपर होता है क्योंकि बाएं में आगे से राइफल को पकड़ा होता है, ठीक है, राइफल मैन नंबर 1, ओके डाउन, राइफल मैन नंबर 2 डाउन, फिर आता है सेक्शन कमांडर हाथ ऊपर, उसके बाद राइफल मैन नंबर 3, उधर देखते जाना मुझे नहीं देखना, राइफल मैन नंबर 4, उसके बाद आता है LMG 1, LMG 2, सेक्शन 2IC, RL 1, RL 2, ये एक सेक्शन का बांट होता है। ये जो मैंने नाम बताए हैं इनके पास इसी टाइप के वेपन्स भी होते हैं, राइफल मैन के पास राइफल रहेगा, ठीक, सेक्शन कमांडर के पास राइफल रहेगा, फिर इसी प्रकार आपका LMG 1 जो रहेगा उसके पास LMG का फुल फॉर्म बताएगा, खड़ा हो जल्दी, हाँ, ओके, राइट मशीन गन, कौन बनेगा करोड़पति में, 4 ऑप्शन आगे, LMG का फुल फॉर्म लिखो, ठीक है ना, ए गन मशीन, बी राइट मशीन गन, सी SLR और D, इनमें से कोई भी नहीं, तो क्या है सही उत्तर, हाँ आप लोगों की जानकारी, ठीक है, राइट मशीन गन, और LMG 2 जो रहता है वो उसका सपोर्टर रहता है, यानी उसका मददगार सहायक रहता है उसके साथ हेल्प करने में, बिकॉज LMG का वजन थोड़ा ज़्यादा होता है, और LMG का तो चलो जो वजन है ही है, लेकिन उसके साथ में उसका राशन भी रहता है, राशन इन द सेंस कि उसमें जो गोली फायर होना है वो ज़्यादा रहता है, वो उठाने वाला भी चाहिए कोई सहायक, ठीक है ना, फिर उसके बाद में सेक्शन 2IC, ठीक, जो कि स्पोर्ट्स वेपन, जितने भी हमारे पास एक इन्फेंट्री में बड़े वेपन रहते हैं उन्हें स्पोर्ट ग्रुप कहा जाता है, इसमें एक सेक्शन दो राइफल ग्रुप अलग हो गया, ठीक है, राइफल मैन नंबर 4 तक, कहाँ तक, हाथ पर यहाँ तक एक ग्रुप हो गया राइफल ग्रुप, और इसके पीछे
वेपन है मीन एलएमजी और आरएल रॉकेट लॉन्चर, ये इनका ग्रुप अलग हो गया। एक राइफल ग्रुप का कमांड कर रहा है सेक्शन कमांडर और सपोर्ट ग्रुप का कमांड कर रहा है सेक्शन 2IC, ठीक है ना। इसलिए मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि सीनियर के नेक्स्ट बार एक सीनियर और होता है, सीनियर मर गया दूसरा कमांड लेगा, ठीक है ना। वही कहानी यहाँ पे भी, अगर सेक्शन कमांडर को कुछ प्रॉब्लम होती है तो सेक्शन 2IC उसका कार्यभार संभालता है। समझ आ गया? सोने वाले जाओ जाओ। हाँ, ये हो गया RL1 आज पर और RL2। RL1 यदि आप लोगों ने बॉर्डर फिल्म देखा होगा उसमें सनी देओल जो है एक मोटी सी पाइप कंधे पे रख के फायर करता ना, उसी का नाम है RL रॉकेट लॉन्चर, ठीक है। जो एंटी टैंक एंटी बंकर यूज किया जाता है टैंक के खिलाफ, और बड़े बड़े जो पिल बॉक्स और बंकर्स रहते हैं पक्के RCC।